अदालत ये न भूले कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये जबान जो है, जो किसी भी जज साहब की है, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है, हम दसगुन्ना कोरन से बजा लाते हैं। लेकिन जहां पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फैजी साहब पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ उस हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे जहन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था, लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निजाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को भुला दें, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदयपुर पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, उन कवानीन को कलदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलदम करार दिया और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी है और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सजा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निजाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियां नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल अहसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिस पे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 5 मेंबर 6 मेंबर का बेंच जिसमें से एक डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है, यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुंसिफ हैं लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है, इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉकेटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तसव्वुर नहीं होगा।